गुड मॉर्निंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों पहुँच चुके आज सब्बल फड़वा कुटाल कुदाल लेके सुबह सुबह अपने गांव के वाटर स्टेशन की तरफ। और जाने का रीज़न वही है भाई, काफ़ी दिन से गांव में पानी नहीं आ रहा है, हर घर जल वाला, तो वही देखने जा रहे हैं। अभी हमको प्रॉब्लम का पता नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम वहाँ हो चुकी है। बट भाई सोचा कि काफ़ी दिन से बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे थे और स्थिति भी बहुत विकट हो रही थी, यहाँ झाड़ियों की रास्ता बिल्कुल नहीं था। तो आज थोड़ा धूप लगी है तो हमने सोचा कि चलो निरीक्षण कराते हैं, संभव हुआ और हमारे बस में रहा तो रिपेयर करके चले जाएंगे, संभव नहीं हुआ नहीं रहा तो वो स्थिति जानने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो चलो आज आपको भी ले चलते हैं अपने वाटर स्टेशन की तरफ। मास्टर जी भी हमारे साथ कंटिन्यू पदयात्रा पे है और स्थिति आप देख ही रहे हो आगे फ्रंट में किस प्रकार के रास्तों से होते हुए हमको जाना होता है अपने गांव के वाटर स्टेशन की तरफ। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा रास्ता होता है, ज़्यादा खतरा आजकल यहाँ सुअर और बाघ का भी बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम ये जानवर इसी साइड में भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं और आदमियों के यहाँ आने का उनको एहसास भी नहीं रहता है, तो एकदम से अगर कोई आदमी जाए तो वो अटैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल केयरफुली हमको जाना होगा। मार्शल भी हमारे साथ आया है तो भाई इसकी भी हमको सुरक्षा करनी पड़ेगी इन जानवरों से। ठीक है, तो फिलहाल तो रास्ते तो ठीक ही हैं, इस बार काफ़ी दिन के बाद आना हुआ इस साइड, लैंडस्लाइड तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ पेड़ टूट रखे हैं बट बाकी कुछ ज़्यादा, शायद बारिश कम हुई इस बार इसलिए ऐसा हो रखा है, बाकी आप देख ही सकते हो भाई। तो चलो दगड़ो मिलते हैं सीधे अपने वाटर स्टेशन में और चेक करते हैं पानी नहाने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो दगड़ो आते ही झोंकों ने स्वागत किया, यहाँ पैर में भाई बहुत सारे झोंक बैठ गए और काफ़ी ज़्यादा झोंक हो रखे। यार ये है भाई अपना पानी का वाटर स्टेशन, यहीं से अपने गांव के लिए पानी जाता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा है बरसात में। और बाकी भाई पैरों में तो झोंक ने खा लिया है पूरा। ठीक है, ये देखो झोंक बैठ गए भाई पैरों में, देख रहा हूँ उधर 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 उधर, ये देखो भाई ये है झोंक, देख रहे हो ऐसे खाते हैं भाई और काफ़ी ज़्यादा पैरों पे बढ़ गए भाई। तो इसी तरह के रास्तों से होते हुए हमको अपने वाटर स्टेशन की तरफ जाना है, बहुत बड़ा रिस्क। ठीक है, झोंकों की मार सहते सहते और चार पांच आदमी आ रखे हैं, हम इतने गांव में हैं इस टाइम उपलब्ध। चलो एक प्रॉब्लम तो हमको मिल गई, नीचे किसी ने वाल जो है बंद कर रखा था, मेन वाल उसको तो हमने खोल दिया है लेकिन वहाँ तक भी पानी अच्छे से नहीं आ रहा है मेन टैंक से। तो अब जा रहे हैं हम मेन टैंक की तरफ, देखते हैं वहाँ एग्जिट प्रॉब्लम क्या है। देखिए भाई सुबह रूप भी लग रही थी, तो पहुंच चुके हैं अपने वाटर स्टेशन टैंक की तरफ। और देखते हैं क्या हो गया, वाह बिल्कुल नहीं हवा यार, ये क्यों नहीं हवा पैर था, ये देखो
ये है तो यहाँ हो रखी है भाई मेन प्रॉब्लम, यहाँ जो है वाटर टैंक में जो है नीचे वो हो गया अभी। ये देखो यहाँ अभी मात्रा कम है पानी की, देख रहा बहुत कम मात्रा है पानी की, इसलिए टैंक भर नहीं रहा है। यही टैंक नहीं भरेगा तो आगे सप्लाई कैसे होगा भाई, हमारा देखना पड़ेगा कैसे कहाँ क्या होगा इसको। ये दो उस वाले पानी से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, चलो चेक करते हैं प्रॉब्लम। साफ करने के बाद इन दो पाइप से तो आ रहे हैं, ऊपर वाला पाइप नहीं थी इससे नहीं आ रहा अभी भी भाई, बाकी तो यहाँ से क्लियर हो गया है। तो अब हमने क्लियर कर दिए हैं तीनों पाइप में, इतना पाया तो हो गया भाई पानी की प्रॉब्लम सॉल्व। ऊपर से ले आए जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वो पाइप लॉक हो रखे थे बंद, कचरा फंस गया था देख रहे हो बहुत प्रॉब्लम। और कुछ दिमाग वाले लोगों ने भाई यहाँ की वाल बंद कर रखी थी, इसके नीचे वाल है ठीक है, ये देख रहे हो ये वाल, ये बंद कर दिया था भाई कुछ महानुभाव ने। तो यार जो भी वीडियो देख रहे हो इतना गलत काम ना करें, इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम होते हैं ये। और क्यों दूसरे सारे गांवों को परेशान कर रहे हो तुम यार, वाल बंद कर दोगे स्वाभाविक सी बात है यार हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, आएंगे हम वाल खोलेंगे, क्या मिल रहा है यार आपको, हम कोई नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला ज़रूर आपको देख रहा होगा। तो प्लीज़ ऐसे काम ना करें ठीक है, जो भी कर्मा लौट के जरूर आता है जैसा कि कहा जाता है, तो क्यों दूसरे गांव वालों को परेशान करते हो। स्वाभाविक सी बात है ये तोलू डांडा वाले जो यहाँ गाय बच्चियों में आते हैं उनका काम है और किसी का काम नहीं है, तो उन गांव वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतने बुरे काम मत करो भाई, क्या मिलता है यार तुमको हम लोगों को इस तरह से परेशान करना ठीक है। तो ये वाल खोल बंद कर रखा था हालांकि पानी की भी प्रॉब्लम थी, हम ऊपर से ले आए और आप देख रहे हो आप इतनी फोर्सली पानी आ रहा है, पानी की तो कमी है नहीं भाई यहाँ ठीक है। तो हो गई हमारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ आदमी आए थे हम गांव में, आदमी भी बहुत कम है और जो है उनके पास भी टाइम बहुत निकाल निकाल के आना पड़ता है भाई ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं गांव की तरफ, आज का ये पानी रिपेयरिंग का ब्लॉक कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके गांव में भी पानी की क्या प्रॉब्लम है वो भी हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉक में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, बाय बाय दगड़ियों।